नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक छोटी सी लड़की राधा की, जो एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलने गई और फिर कभी वापस नहीं आई। यह कहानी है उस रहस्यमय जंगल की, जहां से आज भी बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, खोई हुई लड़की का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम राधा था, अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन राधा अपने दोस्तों के साथ पास के जंगल में खेलने गई। वह जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। खेलते खेलते राधा अपने दोस्तों से बिछड़ गई और गहरे जंगल में खो गई। रात हो गई और राधा का कोई पता नहीं चला। उसके माता पिता और गांव के लोग उसे ढूंढने के लिए जंगल में गए, लेकिन राधा का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि उन्होंने रात में जंगल से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनी है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि उस जंगल में एक पुरानी आत्मा का वास है, जो बच्चों को अपने पास बुलाती है। गांव के लोग डर गए और उन्होंने जंगल में जाना बंद कर दिया, लेकिन राधा के माता पिता ने हार नहीं मानी। वे हर रात जंगल में जाकर अपनी बेटी को पुकारते रहे। एक रात जब राधा की माँ जंगल में उसे पुकार रही थी, तो अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए गहरे जंगल में चली गई। वहाँ उसने देखा कि राधा एक पेड़ के नीचे बैठी है, लेकिन वह बहुत बदल गई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राधा की माँ ने उसे गले लगाया, लेकिन तभी राधा ने धीरे से कहा, माँ अब मैं यहाँ से नहीं जा सकती, यह जंगल अब मेरा घर है। यह सुनकर उसकी माँ डर गई और भागकर गांव वापस आ गई। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सका। उसके बाद गांव में और भी बच्चे गायब होने लगे। लोग कहते हैं कि वे बच्चे अब भी उस जंगल में राधा के साथ खेलते हैं और हर रात उस जंगल से बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें आती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद।